नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं YouTube चैनल स्मार्ट जितेंद्र। दोस्तों आपको मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि मैं जानकारियों से भरपूर वीडियो लाता हूँ। दोस्तों ना जाने आपके काबिल का कब एक वीडियो बना डालूँगा जिससे आपका काम बन जाए। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अपने ज़मीन का, अपने गांव का नक्शा कैसे देखेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि आजकल कागज़ इतना जल्दी से मिलता नहीं है जो कि आपको तुरंत उपलब्ध हो जाए। कागज़ पुराना हो गया है और आप उसमें देख रहे हैं कि प्लॉट नंबर क्या है और क्या इसका नापी है, क्या इसका रकबा है, वो आप नहीं जान पाते हैं और गलत ही नापी हो जाता है, क्योंकि नक्शा इतना पुराना हो जाता है कि उसमें कुछ साफ साफ दिखता नहीं, सब धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो इसी समस्या के समाधान को लेकर के आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पर लिए चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं ये मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ। यहाँ आपको टाइप करना है झारभूमि, ठीक है, झारभूमि डॉट एन आई सी डॉट इन, ठीक है। देखिए ये दिखाई दे रहा है ऊपर में, इसी पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, पेज खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ नीचे में भू नक्शा लिखा है, ठीक है। भू नक्शा पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, ये देखिए खुल रहा है पेज। दोस्तों नेट फास्ट होना चाहिए, तभी ये साइड का मजा आप ले पाएंगे और आप अपना नक्शा को देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा, उसके बाद राइट साइड ऊपर में जो थ्री डॉट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइड पर चेक लगा लेना है, ठीक है। चेक लगा लेने के बाद कुछ इस तरह का पेज खुलने लगेगा, ये देखिए इस तरह का अभी खुल रहा है, देखिए इस तरह का पेज खुल जाएगा, ठीक है, इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए जूम मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है, आप अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं देवघर ज़िले से हूँ तो देवघर ज़िला को सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद अपने आप यहाँ रिफ्रेश ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ सर्किल में सिलेक्ट करना, ठीक है, सर्किल में आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए सर्किल को मैं, यानी कि ब्लॉक कौन सा है आपका वो आपको ले लेना है। तो मेरा मोहनपुर ब्लॉक है तो मैं मोहनपुर ले लेता हूँ। उसके बाद आपका हल्का क्या है वो आपको ले लेना है, तो मेरा वन हल्का है इसलिए मैं वन पर ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेवन हो गया है, मैं वन ले लेता हूँ, ये वन ले लिया हूँ। उसके बाद आपको मोजा को सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपका जो भी मोजा है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं अब मोजा को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ सरासनी है, मेरा पुनसिया मोजा है तो मैं पुनसिया मोजा ले लेता हूँ। चलिए पुनसिया मोजा ले लेता हूँ, ये देखिए पुनसिया मोजा ये आ गया है। यहाँ हम क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद पुनसिया मोजा का जो भी नक्शा है वो यहाँ साइड में दिखने लगेगा, ठीक है। ये देखिए साइड में ये दिख रहा है पुनसिया मोजा का नक्शा, ये देखिए इधर ये पुनसिया मोजा का नक्शा ये है, ये देखिए दिख गया है। यहाँ देखिए पूरा प्लॉट नंबर सहित में सब कुछ दिख रहा है, देखिए सब पूरा प्लॉट नंबर आपको दिखेगा एक एक करके, ये देखिए दिख रहा है। तो इसी तरह करके आप भी अपना नक्शा देखिए अपने गांव इलाके का, ये देखिए पूरा दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यही मैंने बताना चाह रहा था। तो आप भी देखिए अपने गाँव का, अपने ज़मीन का। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने वीडियो डाले सबसे पहले आपको अपडेट मिलता रहे। दोस्तों ध्यान रहे, आपके मोबाइल में नेट फास्ट चलता हो तभी देख पाएंगे आप इसको, ठीक है। अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।